दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी के बीच में आज जो आईपीएल का सेकंड मैच होने वाला है, इसका हम इस वीडियो में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। यहाँ पर आप हर एक फैंटेसी मैच का पूरा एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली और आरसीबी दोनों की दोनों स्ट्रांग टीमें, आपको एक काटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक तरफ होंगे विराट कोहली और दूसरी तरफ होंगे यहाँ पर ऋषभ पंत। और ये जो मैच होने वाला है, ये होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम पे। यहाँ का जो पिच होता है आमतौर पे बैटिंग फ्रेंडली होता है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे स्कोर काफ़ी कम बना है, 147 से 157 के बीच में आपको एवरेज स्कोर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। पेसर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है यहाँ पे, और चेजिंग टीम यहाँ पे मैच जीतने की संभावना उनकी ज़्यादा रहती है। जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है वो यहाँ पे 20% मैचेस जीती हुई है, जो टीम यहाँ पे सेकंड बैटिंग करती है वो यहाँ पे 80% मैचेस जीती हुई है। अगर हम यहाँ पे बैटर्स और बॉलर्स का रेशियो देखोगे तो आपको इक्वली नज़र आएगा। पेसर्स और स्पिनर्स का रेशियो भी आपको इक्वल ही नज़र आएगा। लास्ट 5 मैचेस इस पिच पे अगर आप देखोगे तो आरआर वर्सेस एलएचजी के बीच में एक मैच हुआ था। यहाँ पे एलएचजी ने 162 रन बनाए थे, उसे आरआर ने चेस डाउन कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे आरआर वर्सेस आरसीबी के बीच में भी एक मैच हुआ था, आरआर ने 169 रन बनाए थे, उसे आरसीबी ने यहाँ पे चेस डाउन कर लिया था। केकेआर वर्सेस पंजाब के बीच में एक मैच हुआ था, पंजाब की टीम यहाँ पे कोलैप्स कर गई थी, केकेआर ने आसानी से चेस डाउन कर लिया था। तो आपको यहाँ पे ये जो ट्रेंड है ये क्या कह रहा है कि जो टीम यहाँ पे पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेती वो आसानी से स्कोर को चेस डाउन कर लेती, भले स्कोर 170 के आसपास क्यों ना बना हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के टीम बनानी है, और जो टीम यहाँ पे चेजिंग करेगी वो आपके लिए फेवरेट भी होनी चाहिए, ये सब टॉस के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर देख लेते हैं, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा इस मैच में। तो दिल्ली का जो बैटिंग ऑर्डर है, यहाँ पे ओपन करेंगे डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ, वन डाउन आएंगे ऋषभ पंत। उसके बाद यहाँ पे जो मिडल ऑर्डर है वो संभालेंगे ललित यादव, रोमन पोवेल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर और सरफराज खान, ये इनके यहाँ पे मिडल ऑर्डर संभालेंगे। और इनके इस तरफ से 5 बॉलिंग ऑप्शन कौन से होने वाले हैं, मुस्तफिजुर रहमान, खलील अहमद, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल, इनकी तरफ से मेन 5 बॉल होने वाले। और कुछ ओवर से यहाँ पे ललित यादव भी डाल सकते। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे आरसीबी का देख लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। अनुज राउत ओपन करेंगे फाफ डुप्लेसिस के साथ, वन डाउन आएंगे विराट कोहली, और जो मिडल ऑर्डर है वो संभालेंगे यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, सरफराज अहमद, उसके बाद यहाँ पे सुरेश प्रभु देसाई, वानीडो असरंगा, ये इनका मिडल ऑर्डर संभालेंगे। अगर हम यहाँ पे बॉलिंग देखें तो यहाँ पे वानीडो असरंगा, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जॉश हेजलवुड, ये इनकी तरफ से 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन होने वाले, ग्लेन मैक्सवेल और यहाँ पे जो शहबाज अहमद है इनके बीच में यहाँ पे ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम डेथ बॉलिंग ऑप्शन देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल वानीडो असरंगा, शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद, हर्षल पटेल और मुस्तफिजुर रहमान, ये दोनों टीम्स के मिलके डेथ बॉलर्स होने वाले। आप यहाँ स्पेसिफिक देखना चाहते हो तो दिल्ली की तरफ से शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ये डेथ में बॉलिंग करा के जाते। अगर आरसीबी की तरफ से आप देखोगे तो वानीडो असरंगा डेथ में बॉलिंग करा रहे, उसके बाद आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जॉश हेजलवुड, ये भी यहाँ पे डेथ में बॉलिंग करा सकते। पावर प्ले के बॉलर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो और बैटर्स भी देख सकते हो, पावर प्ले में कौन से प्लेयर यहाँ पे बैटिंग करते। तो इस तरीके से आप हर एक रिकॉर्ड देख सकते हो परफेक्ट लाइनअप पे आके। अब हम चलते हैं यहाँ पे कस्टम टीम बिल्डर के ऊपर। जब आप यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम्स बनाओगे तो आपको कस्टम टीम बिल्डर का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 25 मिनट में आपको यहाँ पे सब कुछ करना होता है। 20 टीमें बनानी होती है ग्रैंड लीग की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको प्लेयर्स पहले एक्सक्लूड कर देने हैं, जो जो प्लेयर्स आपको अपनी टीम में नहीं चाहिए उनको आपको निकाल देना है, या फिर आपको वो प्लेयर्स लॉक कर लेने जो प्लेयर आपको लग रहा है कि हर एक ड्रीम टीम में आपके होंगे ही होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को लॉक कर लेते हैं, जैसे डेविड वार्नर को लॉक कर लिया, फाफ डुप्लेसिस को लॉक कर लिया, ग्लेन मैक्सवेल को यहाँ पे लॉक कर लिया हमने, विराट कोहली को लॉक कर लिया है। तो इस तरीके से आप कुछ प्लेयर्स को लॉक कर सकते हो, ऋषभ पंत को भी लॉक कर लिया है। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम ग्रैंड लीग की 11 टीम्स यहाँ पे बना लेते हैं। तो चलिए हमने 11 टीम्स यहाँ पे बना ली है। जनरेट टीम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आके तो आपको टीम कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगी, और आप जितना अच्छा कस्टमाइजेशन करोगे उतने अच्छे टीम कॉम्बिनेशन आपके सामने यहाँ पे आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ टीम कॉम्बिनेशन आपके सामने आ चुकी है, आप इनके साथ जा सकते हो, इनकी स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो, नहीं तो अपना खुद का कस्टमाइजेशन आप परफेक्ट लाइनअप पे आके कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे अपने स्मॉल लीग की टीम की तरफ चलते। देखिए ये हमारी यहाँ पे स्मॉल लीग की टीम होने वाली है, हम आपको पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस करके ही समझाते। चलो अब हम यहाँ पे देख लेते विकेट कीपिंग सेक्शन में 3 ऑप्शंस आपके पास होने वाले, उसमें ऋषभ पंत, अनुज रावत और दिनेश कार्तिक। यहाँ पे दिनेश कार्तिक का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, मिडल ऑर्डर में यहाँ पे अच्छी खासी हिटिंग कर रहे हैं, आप उन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। अनुज रावत
और ऋषभ पंत आपके लिए मस्ट पिक होने वाले, तो हम इन्हें अपनी टीम में ले लेते। दिनेश कार्तिक को भी आप अपनी टीम में ले सकते हो, फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, पिछले मैच में भी अच्छी खासी हिटिंग इन्होंने की हुई थी। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, डेविड वार्नर, ये तीन प्लेयर हमारे टीम में यहाँ पे रहने वाले। और सुरेश प्रभु देसाई को भी लेना पड़ा है क्योंकि क्रेडिट इशू बहुत हो रहा है यहाँ पे। वैसे तो पृथ्वी शॉ को हम लेने वाले थे, लेकिन चलो वानखेड़े का स्टेडियम में बॉलर्स को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसे पिचेस पे पृथ्वी शॉ हिट और मिस टाइप के ही प्लेयर माने जाते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल को लिया हुआ है, आप अक्षर पटेल, ललित यादव और शाहबाज अहमद को ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये तीनों के तीनों ग्रैंड लीग के ऑप्शन आपके लिए होने वाले। बॉलिंग सेक्शन में वानीडो हसरंगा, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर और खलील अहमद, इन चारों को लिया हुआ है अपने टीम में। आप यहाँ पे आकाशदीप के साथ जा सकते हो, मोहम्मद सिराज के साथ जा सकते हो, जॉश हेजलवुड के साथ आप यहाँ पे जा सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे टीम को सेव कर लेते। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अगर हम देखें तो कैप्टनसी के लिए ग्लेन मैक्सवेल सबसे बढ़िया ऑप्शन होने वाले, और वाइस कैप्टनसी आप किसी को भी दे सकते हो, जैसे फाफ डुप्लेसिस हो गए, विराट कोहली हो गए, डेविड वार्नर हो गए, हम यहाँ पे डेविड वार्नर के साथ गए हैं। आप अपने ऑप्शंस के साथ जा सकते हो, अगर डेथ में बॉलिंग आती है शार्दुल ठाकुर की तो आप शार्दुल ठाकुर के साथ भी जा सकते हो, थोड़ी बहुत हिटिंग भी कर लेते हैं। तो आप ग्रैंड लीग में जो वेरिएशंस चाहे वो कर सकते हो, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है। पृथ्वी शॉ को अगर आपको ट्राई करना है तो आपको विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जो भी प्लेयर वाइज एनालिसिस था वो देख लिया है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। अगर आप प्लेयर कंपैरिजन करना चाहते हो तो वो भी आप परफेक्ट लाइनअप पे आके कर सकते हो। हम यहाँ पे ऋषभ पंत और फाफ डुप्लेसिस का प्लेयर कंपेयर कर लेते। देखिए अगर हम पावर रैंकिंग के तौर पर देखें तो यहाँ पर ऋषभ पंत आगे है फाफ डुप्लेसिस से, और अगर हम रन्स के मुकाबले देखें तो यहाँ पे 162 रन फाफ ऋषभ पंत ने बनाए हुए, और यहाँ पे 146 रन यहाँ पे फाफ डुप्लेसिस ने बनाए हुए हैं। स्ट्राइक रेट के मामले में भी यहाँ पे ऋषभ पंत आगे है फाफ डुप्लेसिस से। हाई स्कोर यहाँ पर भी ऋषभ पंत ही आगे है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा एनालिसिस। तो चलो हमने कंपेयर भी कर लिया प्लेयर्स को, और आप अगर इंडिविजुअल प्लेयर को पूरा रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो पावर रैंकिंग पे आओ। आप एकाध प्लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, हमने जॉश हेजलवुड को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ये भी विकेट टेकिंग बॉलर है। लास्ट 10 मैचेस में से 7 बार ड्रीम टीम में रह चुके। अगर यहाँ पे इनकी पहले बॉलिंग आती है तो 51 फैंटेसी पॉइंट्स आपको देखे जाते हैं, अगर इनकी सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो 73 फैंटेसी पॉइंट्स आपको देखे जाते हैं। अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखोगे तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। बाय फॉर्मेट में जैसे हम चलेंगे आप इनका T20 का रिकॉर्ड देख सकते हो। 2022 में इन्होंने यहाँ पे टोटल 4 मैचेस खेले हुए, वहाँ पे टोटल 98 रन इन्होंने यहाँ पे दिए हुए और 9 विकेट्स ली हुए, यानी 4 मैचेस में 9 विकेट्स, यानी लगातार ये दो दो विकेट्स निकाल रहे 2022 में। अगर हम पर मैच देखें तो 2021 में इन्होंने 25 मैचेस खेली थी, वहाँ पे उन्होंने 34 विकेट्स निकाली हुई थी, और आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे 2022 में 6.13 का रहा है, और 2021 में 7.46 का इनका यहाँ पे इकोनॉमी रहा है। तो इस तरीके से आप हर एक प्लेयर को इन डिटेल जान सकते हो, और उन्हें अपने टीम में लेना है या नहीं लेना है ये डिसाइड कर सकते हो। तो परफेक्ट लाइनअप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप इधर इन डिटेल सब कुछ जो भी रिकॉर्ड आप देखना चाहो वो देख सकते हो। वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।